सब में लिखे थे एक बस की बाय बाय बोल दो बाय आगे जाओ चल 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 सम देखो कैसी वाइट है गाय बहुत वाइट है एकदम सामने नहीं आया है वो क्यों पैकेट छूट गया बताओ मैंने बोला खा लेंगे भैया दीदी मेरे को लगा बुआ की याद आई बुआ के लिए और मंजू बुआ मम्मा ने इतनी मेहनत तो नहीं करी उसमें क्या मेहनत करी मम्मा ने खरीद तो मैं देखता हूँ आ जाएगा तो लखनऊ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 इस वक्त मैं पुष्पक के सामने खड़ा हूँ। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ से बॉम्बे जाती है। थोड़ी देर में मैं अपने ट्रेन को बोर्ड करने वाला हूँ। ये सामने ही मेरा डब्बा है। ट्रेन लखनऊ से एकदम राइट टाइम डिपार्ट हुई है। इस वक्त मैं अपनी बर्थ पे सोने की तैयारी में हूँ, ऑल सेट। तो अब यहाँ से मैं भोपाल तक ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक ठाक साफ़ सुथरा, काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म था लखनऊ, मगर ट्रेन का कोच तो साफ सुथरा है पर टॉयलेट्स हमेशा की तरह बहुत साफ़ सुथरे नहीं हैं। तो सुबह करीब 7:13 पर ये ट्रेन भोपाल पहुँची। ये है कानपुर सेंट्रल। लखनऊ के बाद एक बड़ा स्टेशन जो इस रूट पे आता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन झांसी होगा। रात के करीब 2:45 बजे हैं। इस वक्त ट्रेन खड़ी है गोविंदपुर में। पिछले 3 घंटे से हम यहीं फंसे हुए हैं। आगे शायद कुछ फॉल्ट हुआ है पर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्या फॉल्ट हुआ। चुका हूँ। इस वक्त रेलवे के रिटायरिंग रूम में हूँ। ये इसकी विंडो से बाहर व्यू है।
हम पहुंच गए भोपाल रेलवे स्टेशन। यहाँ हम करीब 12:30 बजे ट्रेन से उतरे। उसके बाद हम यहाँ पीछे रिटायरिंग रूम में कुछ समय के लिए रुके। ये मेरे पीछे आप रिटायरिंग रूम देख सकते हैं, ये भोपाल स्टेशन है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गुड डे।